हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज जो कि कोरोना वायरस से जो स्लो डाउन आया है इकोनॉमी के जोन में, जो कि आपको सभी को पता है शेयर मार्केट में इतना स्लो डाउन आने का रीज़न क्या है, क्योंकि कोरोना वायरस से ऑल द कंट्रीज़ में इम्पैक्ट हुआ है शेयर मार्केट पर और उनके जो भी बिजनेसेस है उसके ऊपर। तो इसलिए इंडिया में भी इम्पैक्ट हुआ है, इसलिए इंडिया में भी स्लो डाउन की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो मैं आपको ऐसे ही जो NSE की वेबसाइट में लिस्टेड है और टॉप 7 कंपनियों के बारे में बताऊंगा जो कि आगे चलकर गेन देंगे, और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, क्योंकि जो बिजनेस कभी बंद नहीं गिर सकती है, आप सभी को इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। चलिए तो जानते हैं, फर्स्टली हम देख लेते हैं मेरे फेवरेट शेयर के बारे में बात करूँगा पहले ही, जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL। ये आप सभी को पता है, मैं आपको बार बार इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना के दे चुका हूँ और आपको बता भी चुका हूँ कि ये शेयर कितना बढ़िया है। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े ये कंपनी HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, कितने बड़ा वायरस आ जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट लोग खाना पीना नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसी तरीके से शेयर ये है। इस शेयर के साबुन, जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, ये डेली यूज़ में होने वाले प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने का काम HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर करती है। इसलिए ये कंपनी कभी बंद नहीं गिर सकती है, और कितने बड़े वायरस आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो भी इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, खाली 2% का यहाँ पर करेक्शन हुआ है इस शेयर में। बट दूसरे शेयर देखेंगे आप तो IT सेक्टर के हो, अदर सेक्टर के हो, उसके अंदर 5%, 3% इतना ज़्यादा वाला क्या हुआ है, करेक्शन हुआ है, इतना नीचे शेयर आ चुका है। तो ये इतना अच्छा शेयर है, इसलिए ज़्यादा कोई करेक्शन नहीं हुआ है। बट यही मौका होता है, देखिए आपको 200 रुपए से सस्ता में ये शेयर मिल रहा है, अभी अवेलेबल हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर चार्ट पैटर्न में दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कोरोना वायरस से पहले की सिचुएशन, 6 मंथ से पहले देखिए यहाँ पर ये ट्रेड करता था। यहाँ पर मैं आपको 1 मंथ की सिचुएशन दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ देखिए कितना 300 के आसपास, मीन्स 300 रुपये ज़्यादा, मीन्स 2300 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था। बट अभी की टुडे की सिचुएशन देखिए तो आप कितना है, आपको कम से कम मैक्सिमम आपको कितना 200 रुपये से कम प्राइस में मिल रहा है। ये आपको यही बेनिफिट होता है, जब भी लोग पैनिक होते हैं, लोग डर जाते हैं, तब हमने शेयर खरीदने चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है जब भी यहाँ पर शेयर मार्केट का रूल एक ही कहता है, बाय लो एंड सेल हाई, यही जो इससे ही सब कुछ शेयर मार्केट में चलता है। जब भी प्राइजेस कम होती है तभी शेयर को खरीदने चाहिए, क्योंकि जब खरीदते तभी हमको फ़ायदा हो जाना चाहिए, और बाकी का तो जब भी उसकी प्राइस गेन होगी, बढ़ जाएगी, तब तो अलग से फ़ायदा हो जाएगा। ये होगी HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात। यहाँ पर आप एक ईयर का आप देख लीजिए, कंपनी बढ़िया रिटर्न देती है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये कोई ऐसी अच्छी ही कंपनी है, कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी है, इंडिया की टॉप 2nd FMCG सेक्टर में फास्ट फूड प्रोडक्शन करने वाली, जो आप सभी को पता है ये मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है। दूसरे बात करेंगे रिलायंस कंपनी के बारे में। रिलायंस कंपनी इंडिया की आप सभी को पता है कितनी बढ़िया कंपनी है, और रिलायंस इंडस्ट्री में आप सभी को पता है इंडिया के रिचेस्ट पर्सन अंबानी की कितने सारी इसके अंदर स्टेप, मीन्स उनका हिस्सेदारी कितनी सारी ज़्यादा है। तो ये इतनी अच्छी कंपनीज कभी बंद नहीं गिर सकती। यहाँ पर आप देखिए कितना 167 रुपये का आपको यहाँ पर करेक्शन दिखेगा। यहाँ पर आप 1 मंथ का चार्ट देख लीजिए, आपको स्लो डाउन में दिख रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस से ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है, पैनिक हो गए, लोग बेचना चालू किया है। तो यही मौका होता है बाइंग करने का, आपके देख सकते हैं आप बाइंग कर आपको कितना सारा बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पर आप अभी की मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ कितनी है, 5 मार्च की प्राइस देखिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगी 5 मार्च की प्राइस कितनी थी, 1336 की प्राइस यहाँ पर अवेलेबल थी। बट आप यहाँ पर कोरोना वायरस से देख सकते हैं अभी टुडे की प्राइस कितनी है, तो यहाँ पर आपको 1104 की प्राइस यहाँ पर दिख जाएगी। यही होता है लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने वाले को ज़्यादा बेनिफिट होता है, आप देख सकते हैं। बट जो भी कोरोना वायरस से करेक्शन आए, इसका मौका हमें उठा लेना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है जियो जैसा कम्युनिकेशन का जो भी उनका जो रिचार्ज, जो भी अब कम्युनिकेशन के जो कंपनी है यही चलाती है, रिलायंस इंडस्ट्री है, अवेलेबल करके देती है। तो कोई भी इतने वायरस आ जाए, कुछ भी हो जाए, बट ये बिजनेसेस कभी बंद नहीं गिर सकते। इसके बाद में हम देख लेते हैं जो कि है RRCTC, इंडियन रेलवेज कैटरिंग्स एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये आप सभी को पता है, मैं आपको बहुत बार इस कंपनी के बारे में बता चुका हूँ, और ये कंपनी
लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है ये। 1900 के आसपास कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा था, बट अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने से 1200 रुपये के आसपास यहाँ पर दिख जाएगा आपको। तो इसका लॉन्ग टर्म का देखिए आप चार्ट, देखिए मैं आपको यहाँ पर 1 मंथ का ही चार्ट दिखा दूँ, तो देखिए खाली यहाँ की प्राइस यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से स्लो डाउन आ गया, बट यहाँ का आप देख सकेंगे तो देखिए कितना था, 1951 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, विकिपीडिया पर भी देख सकते हैं आप कौन से बिजनेस है। मैं आपको बार बार ऐसे ही शेयर के बारे में बता चुका हूँ, जो बढ़िया शेयर होते हैं वो बार बार बताना ही चाहता हूँ, क्योंकि जो बढ़िया होते हैं उनकी कोई भी कंपेरिजन में कोई अवेलेबल शेयर नहीं होता है। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरे जो भी मैं शेयर बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा बना के देंगे, और मैं आपको कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद में दिखा दूंगा कि कौन से शेयर के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी और आपको कितना गेन हो चुका है। तो आगे आरआर सिटी के बाद में देख लेते हैं हम बाद में से नेस्ले इंडिया। आप सभी को पता है मैगी जो प्रोडक्ट है ये नेस्ले इंडिया का ही प्रोडक्ट है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इतना बढ़िया शेयर है, खाली 2% का करेक्शन आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 379 रुपीज़ का खाली करेक्शन यहाँ पर हुआ, बट आप यहाँ पर 1 मंथ का भी चार्ट देख लिए तो देखिए यहाँ पर आपको कितना प्राइस दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16,785 रुपीज़ का यहाँ पर प्राइस दिखेगा, बट ये कंपनी का जो स्लो डाउन आने का रीज़न आप सभी को पता है, कोई इंटरनल इशू नहीं है, एक्सटर्नल इशू मीन्स कोरोना वायरस से ही सब कुछ क्रिएट हो रहा है मार्केट में। आप यहाँ पर देखिए 5 डे का भी चार्ट देख लिए, बट आप 6 मंथ का चार्ट देखेंगे तो आपको ग्रीन निशान दिखेगा, और 6 मंथ में आपको 28% का यहाँ पर कंपनी ने रिटर्न अवेलेबल करा कर दिया है। और देखिए खाली कितने 6 मंथ में 3,617 रुपीज़ का यहाँ पर आप कंपनी ने को रिटर्न अवेलेबल करा दिया। ये ऐसी कंपनीज होती है कभी भी बंद नहीं होती, और इतना भी बैड सिचुएशन में भी इतना अच्छा ट्रेड कर रही है, मतलब ये कंपनी कभी बंद नहीं गिर सकती और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद में मैं आपको HDFC बैंक के बारे में बताऊंगा, जो भी बैंक में भी आपको निवेश करना हो तो बैंक के बारे में एक शेयर के बारे में बता दूं, HDFC बैंक्स, ये भी बहुत बढ़िया बैंक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिटर्न के बारे में आपको यार थोड़ा पैनिक सिचुएशन दिख रही होगी, यहाँ पर फ्लक्चुएशन आ गया है, तैयार हो गया है, यहाँ पर दिख जाएगा आपको, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं शेयर कितने रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर 6 मंथ की पहले की बात कर लूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ शेयर की प्राइस क्या थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, बट आपको देखिए यहाँ पर कितना रुपये 1112 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो रहा है। क्यों? ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई इसलिए आपको महंगे शेयर आपको कम दाम में मिल रहे हैं, ये उठा लेना चाहिए और बाइंग करके रख लेना चाहिए। जैसे आपकी जितनी एबिलिटी है उतना ही आपको शेयर खरीदना चाहिए, आप इतने सस्ते मिल रहे बोल के आप कितने भी लेने की इसकी गड़बड़ मत कीजिए, क्योंकि आपको मिल रहे मीन्स आपके सिचुएशन क्रिएट हो गई। आपके बेसिकली आपको जितने खरीदने आप खरीद सकते हैं, आपकी जितनी एबिलिटी है, आपके पास जितने पैसे है उसमें आप एक खरीदिए नहीं खरीदिए, आपके पास नहीं होगा तो शांत बैठिए, आप देख सकते हैं खाली मार्केट की सिचुएशन क्या है, बट आपको आपके पास हो गए तो आप ज़रूर निवेश करिए और आपको अच्छे से बेनिफिट हो जाएंगे। इसके बाद में मैं आपको बात करना चाहता हूँ टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, जो कि TCS नाम से जो कि कंपनी अवेलेबल आउटसोर्सिंग के काम करती है सॉफ्टवेयर्स, जो भी ऑल द वर्ल्ड में मल्टीनेशनल कंपनी है और इंडिया की IT कंपनी में मोस्ट टॉप कंपनी में नंबर 1 पर आती है। IT कंपनी में इंडिया में नंबर 1 कंपनी है इंडिया में IT कंपनी में। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर इसकी कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं शेयर कितने रुपये पर ट्रेड कर रहा था, तो मैं आपको यहाँ पर 1 ईयर का चार्ट दिखा दूँ, पहले आपको पता चलेगा कि शेयर की प्राइस कितनी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ट्रेड कर रहा था ये शेयर प्राइस 2200, यहाँ पर 2500 के आसपास भी शेयर की प्राइस चल रही थी, बट इकोनॉमिक के जो ये स्लो डाउन आया है कोरोना वायरस के लिए इसलिए कंपनी में यहाँ पर करेक्शन हो चुका है और यहाँ पर बैड सिचुएशन क्रिएट हो गई है। TCS जैसा ब्रांडेड शेयर है बहुत ही लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बना के दे सकता है। इसके बाद में देखेंगे RSC, यहाँ पर RSC के बाद में मैंने ये भी बता दिया था वो भी मोनोपोली वाला शेयर है। इसके बाद में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ICICI बैंक, जो कि इंडिया में सबसे बढ़िया रैंक करने वाली बैंक है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं गूगल पर सर्च मार के टॉप 10 इंडिया की बैंक में डालेंगे, यहाँ पर सर्च मारेंगे तो आपको
ICICI बैंक का नाम मिलेगा ही। जो शेयर की प्राइस 500 रुपये से भी ज़्यादा के ऊपर ट्रेड कर रहा था, बट ये कोरोना वायरस से इसकी यहाँ पर सिचुएशन देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्लो डाउन वाली दिख रही है। यही मौका होता है ख़रीदने का, और यहाँ पर जब ये ऐसे ही सिचुएशन में ख़रीद लेना चाहिए और बाद में से होल्ड कर कर आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में हो जाता है। आप सभी को जिस दिन शेयर मार्केट अच्छा सिचुएशन करेगा तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैंने कौन से शेयर के बारे में बताया था और कौन से शेयर ऊपर भी जा चुके हैं और उसके बेनिफिट भी कितना सारा हो गया है। ये देखिए ICICI बैंक ये टॉप बैंकों में आती है। 6 मंथ का रिटर्न भी देखिए कंपनी ने कितना बढ़िया रिटर्न दिया है, यहाँ पर अवेलेबल करा के दिया है RRCT ने। यहाँ पर आपको ग्रीन निशान में दिख जाएगा, ग्रीन निशान में ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 6 मंथ में ही बढ़िया रिटर्न देती है। तो सोचिए आप लॉन्ग टर्म में कितना सारा बेनिफिट दे सकती है। यही तो जो भी फंडामेंटल शेयर होते हैं, जो फंडामेंटल पर सुटेबल और बेस्ट वर्क करते हैं वही कंपनी मैंने आपको बता दी है। जो भी है मल्टीबैगर शेयर्स है, अभी की सिचुएशन देख कर नहीं, आप लॉन्ग टर्म की सिचुएशन देख कर इन्वेस्ट करिए, आपको अच्छा ही बेनिफिट होगा। ऐसे ही नॉलेजबल इन्फॉर्मेशन के लिए और बढ़िया शेयर के लिए, आपको अच्छे अच्छे शेयर की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।